आज मैं दे रही हूँ आपको रेसिपी वेजिटेबल की, आलू बैंगन की। उसमें 100 ग्राम घी डलेगा, देखने डाल दी मैंने, और एक मीडियम प्याज, मसाला बोलते हैं मीडियम प्याज मैंने डाल दिया है, और हाँ एक चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया है, चार पांच मिर्चें कटिंग की हैं, एक घुटी मैंने धनिए की, और एक टमाटर। पानी में आधा किलो बैंगन मैंने भिगो के रख लिया, आधा किलो आलू भिगो के रख लिए, और नमक मिर्च में हसबे जायके डालना है वो आपको दिखाती हूँ। ये प्याज ब्राउन होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, प्याज ब्राउन कर लूँ, मसाला भून लूँ, फिर दिखाती हूँ। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसमें एक टमाटर डाल देना है और लहसुन अदरक डाल देना, फिर अच्छी तरह हल कर लेना। और हाफ चम्मच नमक भी डाल देना, थोड़ा सा ऊपर, एक चम्मच लाल मिर्च की, डेढ़ चम्मच कर दो, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च की, और हाफ मिर्च हल्दी पाउडर। और इसमें साबुत जीरा जाएगा एक चम्मच, एक चम्मच सूखा धनिया जाएगा साबुत, और मैंने आलू पानी में भिगो के रखे हुए थे वो साथ डाल दी, अच्छी तरह इन्हें फ्राई करना है साथ में। ये गर्मियों में आलू मीठे अक्सर मिल जाते हैं बाज़ार से, इन्हें नमक लगा के रख देना तो मिठास ख़त्म हो जाती है इनकी। अब बैंगन डालने लगी हूँ बीच, ये मैंने पानी में भिगो के रखे थे, पानी में भिगो के रखने से ये होता है कि ये ब्लैक नहीं होते। और 10 मिनट के लिए ना ये दम पे छोड़ दें, फिर भुनेंगे 10 मिनट बाद, ये अच्छी तरह गल भी जाएंगे। दस मिनट भुनने के बाद ये देखें, इसमें दम लगाया हुआ था ना 10 मिनट का, उसके बाद ये देखें भुना है मैंने, अच्छी तरह कलर आ गया इसका, हाँ देखिए खूबसूरत निकल आई है, और थोड़ी ही सी कसर आलुओं में है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हो जाती है। तुरबंजी मैंने डालने लगी है, इसमें पानी नहीं डालना, बिल्कुल पानी नहीं डालना, ये घी में जो इस सब्ज़ी को धोने में पानी लेती है ना यही बस डालना है इसमें, इसका जो अपना निकलता है बस, थोड़ी सी आलू में कसर 10 मिनट बाद, 10 मिनट और ढक्कन दे के ना दम पे रख। ये देखिए आलू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, बस 2-3 मिनट और भूनते हैं कि थोड़ी बहुत ही जो कसर रह गई है। मुझे तो वैसे यही लुक चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट हुई है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ।
ये देखिए पाँच मिनट के लिए और दम पे रख देते हैं। पाँच मिनट हो गए हैं लेकिन अभी आज से पक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये रेसिपी मेरी तैयार अलविदा की रेसिपी तैयार हो गई है। और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।